हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। ऐसा नहीं है कि छेड़खानी और रेप के सभी मामले सही हैं। निर्भया कांड के बाद आनन फानन में देश की अदालतों ने जो कानून बनाए उसमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून तो जरूर बने, लेकिन उस कानून के बनने के बाद कुछ निर्दोषों पर भी मामले दर्ज कर दिए गए। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के सागर जिले के गड़ाकोटा से जुड़ा है, जहाँ अदालत ने छेड़खानी के मामले में 2 साल से बेइज्जती झेल रहे एक व्यक्ति के साथ न्याय किया और वह अदालत से दोष मुक्त हुआ। असल में 2 साल पहले गड़ाकोटा के आशीष सैनी पर एक युवती ने छेड़खानी का मामला दर्ज किया था। वो जेल भी गए, लेकिन गड़ाकोटा की द्वितीय न्यायालय की न्यायाधीश बीना खालको की अदालत ने तमाम बयान और गवाही सुनने के बाद यह फैसला सुनाया कि आशीष सैनी नाम के आरोपी जो छेड़खानी से 2 साल से आरोपी बने थे उन्हें दोष मुक्त किया जाता है। इस फैसले के बाद अधिवक्ता के साथ आशीष सैनी ने न्यायालय के इस न्याय पर अपना सर झुकाया है। क्या हुआ था? झूठा मामला दर्ज किया था, पैसे के लेन देन के मामले में बताया गया हमारे। अब क्या है? हमने तो साबित कर दिया हमारे न्यायालय से, गड़ाकोटा न्यायालय से निर्दोष साबित कर दिया। तो आप खुश हो गए? नहीं, कोटा पुलिस ने आप देखें तो यहाँ आरोपी आशीष सैनी के विरुद्ध 30/11/2017 में एक प्रकरण दर्ज किया था धारा 354 में, जिसमें आरोप था आशीष सैनी पर कि उसने नामदेव की लड़की के साथ छेड़खानी की है। तो माननीय न्यायालय के समक्ष पिछले 2 वर्ष तक प्रकरण विचाराधीन रहा और न्यायालय ने फरियादी एवं फरियादी के संपूर्ण साक्ष्यों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर आज न्यायालय ने आरोपी आशीष सैनी के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण का फैसला सुनाया। बहरहाल हम कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि जिस व्यक्ति पर रेप और छेड़खानी के आरोप लगे हैं वो सही है। कुछ ऐसे मामले भी कानून की ओट में दर्ज हो जाते हैं जो बेगुनाह रहते हैं। कानून का आधार भी यही है कि किसी निर्दोष को सजा न हो। आज गड़ाकोटा की अदालत ने यह जता दिया कि निर्दोष को सजा नहीं दी जाती। रवि सोनी, सागर एक्सप्रेस न्यूज, गड़ाकोटा। सागर एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।